दोस्तों YouTube चैनल क्रिएट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान देना होगा जो अभी भी किसी ने भी नहीं बताया। आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे किस तरह से YouTube चैनल क्रिएट किया जाता है, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा शायद YouTube पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों YouTube चैनल क्रिएट करने से पहले सबसे पहला जो काम होगा वो है आपकी चैनल की नेम। दोस्तों आपने जो नाम से YouTube चैनल बनाना चाहते हो अगर वो नाम ऑलरेडी YouTube पे किसी ने चैनल क्रिएट किया तो आपकी चैनल रैंक नहीं करेगा, अगर किसी ने उस नाम की कस्टम URL लेके रखा है तो। इसलिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा आपके नाम से ऑलरेडी कोई YouTube चैनल है क्या नहीं। दोस्तों स्क्रीन पे आप एक लोगो देख पा रहे हो, यही उनका प्रूफ है कि आपने जो नाम सिलेक्ट किया उस नाम से कोई भी YouTube चैनल नहीं है। तो चलिए दोस्तों YouTube चैनल क्रिएट करने से पहले आपने जो नाम सिलेक्ट किया है उस नाम से ऑलरेडी कोई YouTube चैनल है कि नहीं कैसे पता करें, तो चलिए प्रोसेस को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन कर लिया। अब मैं यहीं से चेक करूँगा कि मैं जो नेम ऑलरेडी सिलेक्ट किया हूँ उस नाम से कोई यूट्यूब चैनल है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सर्च बार में मैं क्लिक कर दिया। आप सेम प्रोसेस से कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सर्च बार में सबसे पहले मेरे को टाइप करना होगा www.youtube.com। तो यहाँ पर देखिए मैं www.youtube.com में टाइप कर दिया और लास्ट में एक स्लैश लगाना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक स्लैश यहाँ पर दे दिया। और दोस्तों पहले से ही जो नाम सिलेक्ट किया वो नाम है वर्ल्ड एडुकेशन। तो मैं यहाँ पर वर्ल्ड एडुकेशन टाइप करके मैं चेक करके देखूंगा ये नाम ऑलरेडी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड एडुकेशन स्मॉल लेटर पे टाइप करना होगा, कहीं पे कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर दिया वर्ल्ड एडुकेशन टाइप कर दिया। अब मैं सर्च पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड एडुकेशन नाम से ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, इस नाम से YouTube चैनल क्रिएट करके मेरा कोई फायदा नहीं। तो चलिए मैं अब दूसरा नाम को मैं यहाँ पर सर्च करके देखूंगा सेम प्रोसेस से। तो फिर से मैं यहाँ पर YouTube.com टाइप कर दिया और लास्ट में यहाँ पर देखिए एक स्लैश मैं दे दिया। आप मैं दूसरा जो नेम चूज करके रखा हूँ वो नाम को यहाँ पर टाइप करके चेक करके देखूंगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रोसेस से स्लैश दे के यहाँ पर मैं टाइप कर दिया स्मॉल लेटर पे, कहीं पे कोई भी स्पेस नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं क्रोम ब्राउजर पे जाके गूगल सर्च बॉक्स पे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं इससे पहले जो वर्ल्ड एडुकेशन लिख के यहाँ पर सर्च किया तो उस नाम से ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है मैं आपको दिखाया। अब मैं यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स एक्सपर्ट लिख के मैं सर्च पे मैं क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से एक लोगो दिखेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढ रहा है क्योंकि यही प्रूफ है इस नाम से अभी भी कोई भी यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी कस्टम URL लेके नहीं रखा है। तो चलिए मैं इसे क्लोज कर दिया। अब मैं यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करके मैं यही नाम को मैं सेट करूंगा। तो देखिए मैं यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। अब कोने में यहाँ पर देखिए एक लोगो दिखाई दे रहा है, लोगो के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए योर चैनल, योर चैनल के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं योर चैनल के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर देखिए मैं जिस नाम से जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वही नाम यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं इसे कस्टमाइज करूँगा और नीचे यहाँ पर देखिए क्रिएट यहाँ पर क्लिक करके आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं जो नाम सिलेक्ट किया मैं अब यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके मैं वो नाम यहाँ पर सेट करूँगा। एडिट चैनल पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए साइट में पेंसिल का आइकॉन दिखाई दे रहा है, पेंसिल के ऊपर क्लिक करके मैं जो नाम मैं सिलेक्ट किया वो नाम को मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया आप जो नाम यहाँ पर सेट करना चाहते हो वो मिनिमम 50 अल्फाबेट की होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर दिया मैथमेटिक एक्सपर्ट, देखिए टाइप कर दिया। आप नीचे देखिए ओके, ओके के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ओके के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। तो देखिए मैथमेटिक एक्सपर्ट यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप फेसबुक जैसा आप लोगो कवर फोटोस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और लोगो की साइज़ कितना होगा उनका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कवर फोटो का साइज़ कितना होगा वो भी दे दूंगा। अब नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं क्लिक करके अपने बारे में यहाँ पर टाइप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। दोस्तों अभी अभी मैं जो यहाँ पर मैथमेटिक
एक्सपर्ट जो मैं नाम सेट किया, ये नाम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि मैं एक फ्रेंड का ये अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए नाम को चेंज करके यहाँ पर सिर्फ मैथ एक्सपर्ट सेट कर दूंगा। और मैं इस नेम को भी मैं चेक करके देखा था गूगल पे जाके, क्योंकि इस नाम पे कोई भी चैनल नहीं है, तो फाइनली मैं मैथ एक्सपर्ट यहाँ पर टाइप कर दिया। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में, किस तरह से वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर अपने हिसाब से मैं यहाँ पर टाइप कर दिया। और यहाँ पर बोला गया मिनिमम आप 1000 अल्फ़ाबेट की आप टाइप कर सकते हो, तो मैं ऑलरेडी टाइप करके रखा हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब नीचे यहाँ पर देखिए ओके पे मैं क्लिक कर दिया, तो देखिए सब कुछ यहाँ पर मैं दे दिया। अब मैं बैक पे क्लिक कर दिया, बैक पे क्लिक करके होम पे आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए मैं यूट्यूब की होम पे आ चुका। अब यहाँ पर देखिए लोगो, फिर से लोगो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देखिए योर चैनल के ऊपर क्लिक करके मैं अपना चैनल पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट, नीचे यहाँ पर देखिए क्रिएट के ऊपर क्लिक करके अब मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर दिया और एकदम नीचे यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, प्लस की आइकॉन के ऊपर मैं क्लिक करके मैं अपना वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। योर चैनल पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए नीचे जो प्लस का आइकॉन है, प्लस के आइकॉन के ऊपर मैं क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए अपना गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, अलाउ एक्सेस करना होगा। और यहाँ पर देखिए गैलरी पे जो वीडियो मैं रेडी करके रखा हूँ वो वीडियो यहाँ पर क्लिक करके मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का एक्चुअल प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।